लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मौर्या गौरी सुत प्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मौर्या लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मौर्या। चलिए आज हम और आप एक ऐसे मंदिर की तरफ चलते हैं जो जमीन से 15 फीट नीचे है। मूषक सवारी है हाथों में मोदक है। गणेश भगवान के मंदिर तो मैंने बहुत देखे हैं, बट ये कोई अनोखा सा मंदिर था। तुझको दिल से पुकारे तो दुख हरता बापा तू आया। मेरा नाम जयवंत नायक है और ऑन बॉट यहीं का हूँ मैं, वसई का। और ये हमारी खुद की जो बोल रहे हैं खेती थी, उसमें हम लोगों ने पहले 2000 में यहाँ एक रिसॉर्ट बनाया था। और ये जो राइट साइड में आप मंदिर देख रहे हैं वो 2001 में यहाँ बना हुआ है। ये पब्लिक के लिए हार्डली एक्चुअली उस टाइम एज अ मेडिटेशन मंदिर था, लेकिन अभी फिलहाल 1.5 महीने से इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। ये इसकी खासियत ऐसी कि ये मंदिर अंडरग्राउंड है, 15 फीट जमीन से नीचे है, जिसके तौर पे ये पूरे महाराष्ट्र में एक कलम करके गांव है, यहाँ जिसको विदर्भ में बोल सकते हैं, नागपुर साइड में वहाँ कलम गांव में है, लेकिन वहाँ बहुत सारे भगवान और हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये एक ही मंदिर ऐसा है कि जिसमें गणेश जी का वन एंड ओनली वन मूर्ति है। तो यहाँ सराउंडिंग एरिया में हम लोग अभी इसको डेवलप कर रहे हैं लोगों के लिए, कि जैसे बैठने उठने की व्यवस्था है, यहाँ हॉल आने जाने के लिए, पूजा अभिषेक करना है, भंडारा करना है, तो उसके लिए जगह बना रहे हैं, बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए सुविधा बना रहे हैं। भविष्य में भी यहाँ क्राउड बढ़ेगा, जिस तरीके से लोग अभी आ रहे हैं उस हिसाब से लोगों को जो भी असुविधा न होने के हिसाब से, जैसे टॉयलेट बाथरूम, उसके बाद में बैठने उठने की अच्छी व्यवस्था, खान पान की एक अच्छी व्यवस्था, ये करने की हम लोग अभी सोच रहे हैं। तो आपको ये अंडरग्राउंड मंदिर बनाने का आइडिया कैसे आया? ये 2001 में हम लोग ने, जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का कन्याकुमारी में एक जगह है जहाँ ध्यान के लिए लोग बैठते हैं और पीस मिलता है, उस हिसाब से हम लोगों ने एक पीस टेंपल जहाँ ध्यान कर सकते, उस हिसाब से अंडरग्राउंड टेंपल ये बनाया था। तो ये कितने बड़े एरिया में था? ये टोटल एरिया जो अगर आप काउंट करेंगे तो इस 5 एकड़ के लैंड पे बना हुआ है। इसमें आजू बाजू में आप सोचोगे तो सराउंडिंग एरिया में समझो 1000 अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, जिसमें काजू, चीकू, आम, नारियल, सुपारी, फूल, अलग अलग टाइप के जासमंद, गुलाब, जो आप मतलब आजू बाजू में देख सकते हैं, जहाँ मेरे को अच्छे फूल के पौधे मिलते हैं मैं यहाँ लगाता हूँ, जिससे पब्लिक को उसका आनंद मिले। और फिर इसका सबसे बेस्ट चीज़ हम लोग करते हैं श्रावण में आने के टाइम पे उसका कटिंग करके पौधे बना के लोगों को एज अ प्रसाद के तौर पर बाँटते हैं। ये आप ये गांव को वाघोली गांव बोलते हैं और ये एरिए को आप समझो यहाँ से शनि मंदिर एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पे है, वॉकिंग डिस्टेंस आप 15 मिनट लगेगा और बाय कार या बाय व्हीकल 3 या 4 मिनट्स के ऊपर नहीं लगेगा। और आपको सबसे बेस्ट यहाँ आते टाइम पे एक हमारी ग्राम देवता है वागेश्वरी मंदिर करके, वो भी बहुत जागरूक देवता है, और इसके बाजू में भी बहुत बड़ा सराउंडिंग में तालाब है, और वागेश्वरी मंदिर का टेम्पल भी बहुत पुराना है, वो भी आप देख सकते आते टाइम। देखो एक तो ऐसा है कि इसमें काम एंडलेस है, लेकिन पब्लिक के लिए जो साधारण सुविधा लगती है जिससे पब्लिक को थोड़ा शांति, अच्छा चीज़ फीलिंग होना चाहिए, वो हम लोग कम से कम 4 महीने के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे डिमांड आती है, पब्लिक आती है जो पूछती है, जिसे हमको लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए, उसको हम डेवलप करते रहेंगे। कौन से दिन में ज़्यादा लोग आते हैं और अंदाजन कितने लोग आते? देखो यहाँ एक्चुअली ये गणेश जी का मंदिर होने की वजह से यहाँ लोग मंगलवार जिसे अंगारकी चतुर्थी है या संकष्टी चतुर्थी है उस टाइम पे, और श्रावण खास करके गणपति के टाइम पे यहाँ लोग बहुत सारे क्राउड आता है और हजारों की तादाद में लोग आती हैं। और अभी तो जैसे लोगों को आपके लोगों के माध्यम से पता चलता है तो बाहर से लोग, मुंबई से लोग आने के चालू हो गया है। ये एक्चुअली मंदिर जो है वसई और नालासोपारा के बीच में है। वैसे देखा जाए तो नालासोपारा जो एरिया है वो वहाँ से एकदम नज़दीक है, अराउंड 5 किलोमीटर्स। वसई स्टेशन से देखा जाए तो 11 से 11.5 किलोमीटर हो जाएगा और वसई गांव से 9 किलोमीटर, और विरार से देखा जाए तो 10 किलोमीटर।
तो आपको आने के लिए सुविधा है, ये नाला सोपारा सबसे बेस्ट रहेगा जो मुंबई से या और कहीं से आ रहा है। तो नाला सोपारा स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा प्लस बसेस, जो 51 नंबर बस है उससे आप वाघोली नाके पे उतर सकते हो और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से निसर्ग का आनंद लेके 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के पास ही राजौड़ी बीच है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बीचेस ऑफ वसई विरार। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।